अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की मेरी रेसिपी है बीफ स्टेक्स विद मैश्ड पोटैटोस। इसके लिए हम 1 किलो गोश्त ले लेंगे और उसके पारचे बना लेंगे। अब बीफ के इन पारचों को हम थोड़ा कुचल देंगे ताकि जब हम मसाले लगाएंगे तो मसाले इन पारचों में अच्छी तरह से जज़ब हो सकें। अब हम इनको किसी बर्तन में डाल लेंगे और इनको मैरिनेट करेंगे। इसमें हम डालेंगे 1 चाय की चम्मच नमक, 2 चाय की चम्मच पिसी हुई काली मिर्च, 2 चाय की चम्मच कुटी लाल मिर्च, 1 चाय की चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चाय की चम्मच अदरक पाउडर, 1 चाय की चम्मच लहसुन पाउडर, 1 लीमू का रस, 4 खाने के चम्मच सिरका, 1 प्याज ले लेंगे, उसका हम पेस्ट बना लेंगे, इसको भी शामिल कर देंगे और 1/4 कप कुकिंग ऑयल डाल देंगे। अब इन सारे मसालों को हम बीफ के पारचों पे अच्छी तरह से लगा लेंगे। तो दोस्तों, ये मसाले हमने अच्छी तरह से लगा लिए हैं। अब इसको हम 6 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। तो दोस्तों, 6 घंटे हो चुके हैं और ये गोश्त मैरिनेट हो चुके हैं। अब हम एक तवा गरम कर लेंगे और उस पर 1/4 कप कुकिंग ऑयल डाल देंगे। अब इस पर हम मैरिनेट किए हुए पारचे रख देंगे और आंच को बिल्कुल हल्का रखेंगे। और इनके ऊपर एक देगची का ढक्कन रख देंगे ताकि ये अपनी स्टीम में पक जाए। तो दोस्तों, इसकी एक साइड पक चुकी है। अब हम इनको पलट देंगे और इनके ऊपर दोबारा से ढक्कन रख देंगे। तो दोस्तों, आधा घंटा हो चुके और ये स्टेक्स बन चुके। तो दोस्तों, अब हम स्टेक सॉस बनाएंगे। इसके लिए हम 1 चाय का चम्मच मैदा ले लेंगे और इसको हल्की आंच पे 1 मिनट तक हम भून लेंगे।
अब इसमें हम एक कप दूध डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम एक चाय की चम्मच मक्खन डाल देंगे। और इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। दो चुटकी इसमें नमक डाल देंगे। एक चाय की चम्मच हम चीनी डाल देंगे और एक चौथाई चाय की चम्मच काली मिर्च का पाउडर डाल देंगे। सब चीज़ों को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया और ये हमारा स्टेक सॉस तैयार है। तो दोस्तों, स्टेक के साथ खाने के लिए अब हम कुछ सब्जियां तैयार करेंगे। इसके लिए हम दो खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल ले लेंगे और इसमें हम एक कटा हुआ टमाटर डाल देंगे, दो कटी हुई सब्ज़ मिर्चें डाल देंगे, एक कटी हुई गाजर डाल देंगे और एक कटी हुई प्याज डाल देंगे और दो मिनट के लिए हल्की आंच पे फ्राई कर लेंगे। तो दोस्तों, दो मिनट हो चुके हैं और ये हमारी सब्जियां भी तैयार हो चुकी हैं। अब हम स्टेक्स के साथ खाने के लिए मैश्ड पोटैटोज बनाएंगे। इसके लिए हम दो मीडियम साइज के आलू लेके उनको बॉईल कर लेंगे। तो दोस्तों, ये आलू बॉईल हो चुके हैं। अब हम इनको एक बाउल में निकाल लेंगे। और इनको कुचल देंगे। 1 टेबलस्पून इसमें मक्खन डाल देंगे। आधा कप इसमें दूध डाल देंगे। दो चुटकी नमक, और एक चौथाई कप हम इसमें मलाई डाल देंगे। और इन सब चीजों को हम बीटर की मदद से मिक्स कर लेंगे। अगर बीटर ना हो तो आप हाथ से भी कर सकते हैं। अब आखिर में हम इसमें आधी चाय की चम्मच काली मिर्च का पाउडर डाल देंगे और मिक्स कर लेंगे। तो दोस्तों, ये हमारे मैश्ड पोटैटोज भी तैयार हो चुके हैं। अब तैयार की हुई सारी चीज़ों को हम एक डिश में निकाल लेंगे।
तो दोस्तों ये हमारे बीफ स्टेक्स विद मैश पोटैटो तैयार हैं। अगर रेसिपी आपको पसंद आई तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।